मैं उजाली कुमारी आज आपको पटना के ऐतिहासिक जगहों पर घुमाने वाली हूँ। सबसे पहले पटना जंक्शन चलते हैं और महावीर जी के दर्शन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ महावीर मंदिर के इतिहास के बारे में। यहाँ का सबसे फेमस पटना का महावीर मंदिर, जो देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। पटना का महावीर मंदिर ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी के बाद यह इकलौता हनुमान जी का मंदिर है, जहां भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। कहा जाता है कि इसे 80 के दशक में नया रंग रूप दिया गया था। यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। मंदिर की बनावट और चकाचौंध भक्तों को यहां आने पर मजबूर कर देती है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि मंगलवार और शनिवार के दिन यहां भक्तों की खासी भीड़ देखी जा सकती है। इस मंदिर की खास बात है कि यहां बजरंगबली के युग में मूर्तियां, यानी दो मूर्तियां एक साथ हैं। और इसी महावीर मंदिर के बगल में स्थित जामा मस्जिद राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। जुम्मे की नमाज में यहाँ नमाजियों की भारी भीड़ रहती है। आस्था का यह दृश्य देखने में अकल्पनीय लगता है। यहाँ जुम्मे की नमाज में हजारों की संख्या में नमाजी आते हैं और कई बार तो हजारों की संख्या में नमाजी मस्जिद के बाहर सड़कों पर भी नमाज अदा करते हैं। मस्जिद का निर्माण 1901 में हुआ था। इसका निर्माण सर फरुखुद्दीन ने करवाया और बाद में इसके विस्तार में बाढ़ के नवाब ने भी मदद की थी। यह मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है और इसके प्रबंधन से जुड़े कामकाज को इसकी कार्य कमेटी देखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें पटना सिटी जाना है, उसके लिए हमें दूसरी तरफ से ऑटो या बस भी मिल जाती है। अभी हम यहाँ से ऑटो पकड़कर पटना सिटी की तरफ रुख करेंगे। पटना सिटी का यहाँ से किराया कम से कम 20 से 25 रुपये में तय हो जाता है। अभी हम पहुंचे हैं पटना सिटी, जो कि यहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ का तख्त श्री पटना साहिब, जिसे हम तख्त श्री हरि मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को मुगल साम्राज्य के पटना में हुआ था। उन्होंने आनंदपुर साहिब जाने से पहले अपने प्रारंभिक वर्ष यहीं पर बिताए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के अलावा पटना को गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर की यात्राओं से भी सम्मानित किया गया है। तख्त का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए करवाया गया था। इसके बाद हमें यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जैसे ऑटो या रिक्शा, जो हमें NIT घाट तक ले जाती है। राजधानी के NIT घाट, जिसे पहले गांधी घाट के नाम से जाना जाता था। पटना में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था NIT परिसर के भीतर स्थित एक छोटा घाट है। यह पटना में गंगा नदी के मुख्य घाटों में से एक है और अपनी शाम की आरती के लिए प्रसिद्ध है। यह घाट महात्मा गांधी की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने से भी जुड़ा है। घाट 24 घंटे खुला रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक छुपा हुआ रत्न और एक शांत और मनमोहक स्थान है। घाट तक पहुंचने के लिए आप गांधी मैदान से पटना सिटी की ओर साझा ऑटो ले सकते हैं और साइंस कॉलेज के बाद उतर सकते हैं। सभी घाटों की खूबसूरती में गंगा की लहरों ने 4 चांद लगा रखी है। मिथिला पेंटिंग से सजे घाटों और गंगा के लहरों का आनंद लेने के लिए हर दिन हजारों सैलानी गंगा के तट पर उमड़ रहे हैं। रिवर फ्रंट पर घूमते हुए गंगा की इठलाती लहरें की कुछ बूंदें जब शरीर पर पड़ती है तो मानो बड़े भी बच्चों जैसी हरकतें करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से गांधी मैदान होते हुए खितान मार्केट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर यहाँ का सबसे मशहूर बैप्टिस्ट चर्च और स्कूल है। पटना में बैप्टिस्ट यूनियन चर्च एक बैप्टिस्ट चर्च, चर्च ऑफ क्राइस्ट और धार्मिक संस्था है। यह पूर्वी भारत का सबसे पुराना चर्च भी है।
यह बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी की संपत्तियों के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। बैपटिस्टों का मानना है कि भगवान के बच्चों को इस वर्तमान दुनिया में स्वयं धार्मिक और ईश्वरीय रूप से रहना चाहिए। बैपटिस्ट धर्मशास्त्र में बैपटिस्टमा विश्वास की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है। बैपटिस्ट स्कूल का मानना है कि विश्वास और अभ्यास के सभी मामलों में बाइबल अंतिम अधिकार है। बैपटिस्ट ऑन मिशन का उद्देश्य यीशु के नाम पर मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने में चर्च और ईसाइयों का शामिल करना है।